कार्यकर्ता केशियारी में उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या हो रहा है? भाजपा को कम्प्लीटली साइलेंस करने का कोशिश कर रहे ममता बनर्जी, विरोधी शून्य राजनीति करने का कोशिश कर रहे, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। कल पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव है और उससे पहले इस वक्त राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो गई है। हम लोग इस वक्त है मिदनापुर शहर में, कल मिदनापुर में चुनाव है। पहले ये दिलीप घोष जो प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे बीजेपी का, उनका सीट हुआ करता था, लेकिन इस बार दिलीप घोष यहां से नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बर्धमान दुर्गापुर सीट से लड़ा है, लेकिन इस बार यहां से उम्मीदवार है बीजेपी का अग्निमित्रा पॉल। और हमारे पीछे इस वक्त है अग्निमित्रा पॉल जो सत्याग्रह पे बैठी हुई है। कल चुनाव है, सिर्फ एक रात का इंतजार है, लेकिन इस वक्त वो प्रोटेस्ट में बैठी हुई है डीएम ऑफिस के बाहर। क्यों वो प्रोटेस्ट कर रही है वो उनसे जानेंगे। कुछ पोस्टर्स और प्लैकार्ड लेके सेक्शन 144 यहां पे इस वक्त लागू है। खुद अकेले अग्निमित्रा पॉल जो बीजेपी का उम्मीदवार है इस वक्त मिदनापुर सीट से, वो इस तरह से सत्याग्रह कर रही है। हम लोग पूछेंगे अग्निधि, क्यों आप इस तरह से आज सत्याग्रह पे बैठ गई है? कल तो चुनाव है, बहुत काम है। देखिए, ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज हम पश्चिम बंगाल के एक नागरिक है और हम भाजपा के एक प्रार्थी है लोकसभा 2024 के। कल मेरा वोट है और आज प्रत्याशी होके मुझे आज आंदोलन में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि कल से मेरा जो की लीडर्स है जो वोट करवाएंगे उसका घर में पुलिस जाके घर रेड कर रहे, उसको हैकल कर रहे, हैरस कर रहे, हर तरह से उनको परेशान कर रहे। आज हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी शुभदीप राय, आज हमारे युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट आशीर्वाद भौमिक को कुछ ही आधा घंटा पहले यहाँ से पुलिस अरेस्ट करके लेके गया। आज हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन अरूप दास, उनको घर में रेड किया। आज वाइस प्रेसिडेंट शंकर गुचाइत, अमित मंडल को घर में रेड कर रहे। आज खड़गपुर ग्रामीण में हमारा प्रधान टिंकू प्रधान, उसको घर में रेड कर रहे। दो कार्यकर्ता केशियारी में उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या हो रहा है? कल हम लोग वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करने देंगे। भाजपा को कम्प्लीटली साइलेंस करने का कोशिश कर रहे ममता बनर्जी, विरोधी शून्य राजनीति करने का कोशिश कर रहे, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन अभी तो सब कुछ चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंदर है, पुलिस इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रही है। के अंदर होने से भी कुछ नहीं होता जाता, क्योंकि ये लोग सब चाटुकारिता करने वाला पुलिस ऑफिसर है। उन लोग को मालूम है कि 4 तारीख रिजल्ट जब निकल जाएगा हमको फिर से ममता बनर्जी का चाटुकारिता करना पड़ेगा, तो वो लोग यही कर रहे हैं। उन लोग को भी मालूम है मुझे ममता बनर्जी के लिए काम करना है 26 तक, लेकिन उनको भी हम सतर्क कर रहे हैं। एसपी को हटा दिया है यहाँ से, दीप्तिमान सरकार को, और अभी भी सुनाई दे रहा है कि ये जिला में ही वो है। तो कमीशन से आप शिकायत करेंगे? कमीशन से शिकायत किए है, डीएम से शिकायत किए है, कमीशन से शिकायत किए है, ऑब्जर्वर से शिकायत किए है। कमीशन का रोल कैसा रहा है फिर, आप उसको सही नहीं मानते? देखिए, हम कंप्लेन किए है, लेकिन अगर स्टेप नहीं लिया जाता है तो फिर हम बड़ा आंदोलन में हम न्यूट्रल फोर्स की तैनाती को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ घंटा पहले सेंट्रल फोर्स आया नहीं था, नहीं घूम रहा था, लेकिन अभी मुझे खबर मिला, अभी फोन आया था मेरा इलेक्शन कमीशन दिल्ली से, यही आंदोलन को लेकर वो लोग विनती किए है कि आंदोलन से उठ जाने के लिए, और ये बोले है कि सेंट्रल फोर्स घूमना, रूट मार्च करना शुरू कर दिया। बात हुई है अभी इलेक्शन कौन आया था, वो बोले कि आप आंदोलन को ये करिए, हम लोग ये विषय को देखेंगे। आंदोलन या पूरी रात यहाँ पे बैठे रहेंगे? कल तो चुनाव है, रात तो हम बैठेंगे ही नहीं। और जब अभी इलेक्शन कमीशन मुझे ये भरोसा दिया है कि आगे में वो लोग देखेंगे, और रूट मार्च शुरू हो गया है, सेंट्रल फोर्स जगह जगह में पोजिशनिंग हो गया है, तो मुझे ये आश्वासन दिए, तो मुझे भरोसा है हम उठेंगे। लेकिन आज जो ममता बनर्जी का पुलिस जो कर रहे मेदिनीपुर में, इसका तो हम व्यवस्था करेंगे 4 तारीख के बाद। ममता बनर्जी का पुलिस बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उधर आपके राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2 दिन के बाद आएंगे कोलकाता में रोड शो करने, और वहां पे भी सेक्शन 144 की तैनाती हुई है, लेकिन कोलकाता पुलिस कह रही है तो पूरे साल होता है कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ पॉकेट्स में, जैसे डलहौजी भी। देखिए, ये पूरा उनका चक्रांत है। आज इलेक्शन का टाइम 1 तारीख का हमारा कलकत्ता जोन का वोट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को आ रहे, और 28 तारीख से 144 धारा लगा दिया गया है। इसका बदमाशी देखिए एक बार, ममता बनर्जी का बदमाशी देखिए। आज अगर 13 साल आप काम करते ना पब्लिक के लिए, तो आपको ये नाटक नहीं करना पड़ता।
अब काम नहीं किए हैं ममता बनर्जी, अब चोरी किए हैं, हमारा जो हक का जो दिए है वो चीज अब छीन लिए है, हमारा घर छीन लिए, हमारा शौचालय छीन लिए, हमारा पानी छीन लिए, हमारा बच्चों का कर्मस जॉब छीन लिए, माने नौकरी छीन लिए, अब सबको छीन लिए है। आज इसलिए आपको पुलिस और प्रशासन को काम में लगा के हुए आपको ये करना पड़ेगा। लास्ट सवाल है, कल चुनाव है, महत्वपूर्ण छठा चरण है, शांतिपूर्ण रहेगा मिदनापुर में? देखिए कहीं कहीं तो झमेला हुआ है, ये इतना सारा दफा हुआ है, लेकिन मुझे ऑल ओवर जो लगता है शांतिपूर्ण हुआ है, और कल भी मुझे लगता है पूरा वोट होगा, अच्छी तरह से वोट होगा। और हम सारे मिदनापुर वासी को ये विनती करते हैं कि पानी हो, बारिश हो, सुनामी आए, लेकिन आप वोट देने जाए, आप किसी को भी वोट दीजिए लेकिन वोट देने जाए आप, आपका ये अधिकार भारत सरकार ने दिया है, संविधान ने दिया है, आपको ये इस्तेमाल करना है। मैसेज है अग्निमित्रा पॉल, बीजेपी की उम्मीदवार, मिदनापुर शहर से। आप देख सकते हैं मिदनापुर जो लोकसभा क्षेत्र है जहां से दिलीप घोष पिछली बार चुनाव लड़के जीते थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है मिदनापुर से, उनको दूसरे जगह से दिया गया है। हालांकि अग्निमित्रा पॉल को यहां से खड़ा किया गया है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन इस वक्त शाम के समय से वो सत्याग्रह पे बैठी हुई हैं, ये कहते हुए कि जिस तरह का पुलिस तैनाती हुई है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन हो रहा है, ये वो कह रही है कि ममता बनर्जी के निर्देश पे ये हो रहा है। हालांकि इस वक्त पुलिस प्रशासन जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर है और वो इलेक्शन कमीशन से इसी का शिकायत कर रही है। कैमरा पर्सन ऑर्घो के साथ इंद्रजीत, आज तक मिदनापुर।